जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था बुवेरिया बेस चना के बारे में। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेटराइजम एनिसोपली के बारे में। मेटराइजम एनिसोपली भी एक जैविक फफूंद होता है, यानी कि एक फंगस ही होता है, जो हमारी फसलों पर कीटों को कंट्रोल करने में, कीटों को नियंत्रित करने में काम आता है। तो जो भी हमारे जैविक खेती करते हैं, हमारे किसान या जैविक फार्मर्स हैं, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतर है। वैसे यदि आप रासायनिक खेती भी करते हैं तब भी आप इसका प्रयोग करिए, क्योंकि जो रासायनिक कीटनाशक है उनसे अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा और कोई भी दुष्प्रभाव आपके सॉइल में, आपकी फसल पर या जो भी ऐसी फसलों के प्रोडक्ट जो भी व्यक्ति खाएगा उसके हेल्थ पर नहीं मिलता है। यानी कि मनुष्य के लिए, भूमि के लिए, पर्यावरण के लिए एकदम सेफ होता है। तो मेटराइजम जो एनिसोपली है वो लगभग 300 से अधिक हानिकारक कीटों की रोकथाम हमारी फसलों पर करता है, चाहे वो रस चूसने वाले कीट हों, चाहे वो चबाने वाले कीट हों। रस चूसने वाले थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, हॉपर्स, मिलीबग, माइट्स आदि की रोकथाम में बहुत ही आसानी से कर सकता है, या कोई भी अन्य कीट हो रस चूसने वाले। उसके साथ साथ जो पत्तियों को चबाने वाले या खाने वाले कीट होते हैं उनकी रोकथाम भी बहुत आसानी से करता है, चाहे वो इल्ली हो, फ्रूट बॉरर हो, टिड्डी हो, रेड बीटल्स हो जिसको हम लाडली भी बोलते हैं, या कोई अन्य कीट हो उनकी रोकथाम बहुत आसानी से करता है, चाहे कोई ज़मीनी कीट हो जैसे वाइट क्रब होता है, या हमारी फसलों की रूट्स में कीट हो उनको भी बहुत आसानी से कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेफ है वातावरण के लिए, आप इसका प्रयोग जरूर करें। आप देखा होगा, आपने कोई भी रासायनिक कीटनाशक जब आप लाते हैं तो एक पर्टिकुलर कीट के लिए आपको एक स्पेसिफिक रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना होता है, यानी कि ये कीट है तो हमें ये वाला कीटनाशक देना है, और यदि चबाने वाले या ये कोई अन्य कीट है तो हमें अलग कीटनाशक देना होता है। लेकिन जो ये मेटराइजम एनिसोपली है ये अकेला ही हर तरह के कीटों की रोकथाम कर सकता है, तो आप इसकी ताकत को, इसकी पावर को समझ सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ये पर्यावरण के लिए, सबके लिए एकदम सेफ होता है। तो आप रासायनिक खेती करें या जैविक खेती करें, इसका प्रयोग जरूर करके देखें। इसकी प्रयोग विधि की हम यदि बात करें तो आप स्प्रे में भी आप इसको दे सकते हैं, फसलों में ड्रिंच कर सकते हैं, या सॉइल ट्रीटमेंट के रूप में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप फसलों में, आपकी में कोई भी कीट है, किसी भी तरह का इंसेक्ट है, तो आप स्प्रे दें। उसके लिए 5 ग्राम से 6 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। ध्यान रखें, स्प्रे शाम के समय करें, अधिक टेम्परेचर को अवॉइड करें, क्योंकि ये शाम के समय कम टेम्परेचर में अच्छे से काम करता है, तो शाम के समय आप इसका स्प्रे दें। उसके साथ साथ यदि आपके रूट्स में कोई कीट है तो आप इसको ड्रिंच कर सकते हैं, 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर ही आप ड्रिंच करें, या ड्रिप के साथ आप चला सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी भूमि में कीटों की समस्या रहती है, वाइट क्रब है या अन्य कोई भी हानिकारक कीट है, उसके लिए आप 1 किलोग्राम मेटराइजम एनिसोपली को 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें और उसे ढककर रखें किसी टाट की बोरी से। उसके बाद उसको रोज़ पानी हल्का हल्का उसके ऊपर छिड़कते रहें ताकि उसमें नमी मेंटेन रहे। उसके बाद 1 हफ्ते बाद देखेंगे वो अपने आप को अच्छे से डेवलप कर लेगा, मेटराइजम एनिसोपली। तो वो जब फंगस डेवलप हो जाएगी, उसके बाद जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई कर रहे हैं, अंतिम जुताई के समय खेत में डालकर अच्छे से मिला देंगे, कोई भी कीट आपकी भूमि में हो वो आसानी से मर जाएगा और आपकी जब तक क्रॉप रहेगी उसमें ये डेवलप रहेगा और आपकी फसल को सेफ रखेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसका प्रयोग जरूर करिएगा। उसके बाद इसकी एक खास बात ये भी है कि ये यदि आपके सॉइल में 50% से नीचे नमी चली जाती है तब भी अपने बीजाणु वहाँ पर डेवलप कर लेता है, यानी कि जब भी ये जीवित रहता है। तो ये इसकी बहुत ही खास बात है, इसका प्रयोग आप ज़रूर करें। और यदि आपने ब्यूवेरिया बेसियाना पर वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें, हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। आप एक बार ब्यूवेरिया बेसियाना का यूज करें, एक बार मेटराइजम एनिसोपली का यूज करें, तो दोनों को कंपेयर करके देखें कौन सा बेहतर रिजल्ट आपको देता है, उसी को आप कंटिन्यू रखें। मेटराइजम एनिसोपली आपकी लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो आप घर बैठे ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं, उसके लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके अमेजोन से घर बैठकर आप अपने घर मंगा सकते हैं। किसान भाई, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य किसानों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।